नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम दिलाने उनकी पुण्यतिथि यानी 24 जून को नया आंदोलन शुरू होने वाला है। दीवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण सर्वपक्षीय कृति समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि हजारों प्रकल्पग्रस्त 24 जून को सिडकों का घेराव करते हुए नामांतरण की मांग करेंगे। असल में महाराष्ट्र सरकार ने एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन प्रकल्पग्रस्त इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चौबीस जून को दीवा पाटिल की पुण्यतिथि पर एक बार फिर प्रकल्पग्रस्त सड़कों पर उतरने वाले हैं और नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम दिलाने की मांग करने वाले हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीवा पाटिल एयरपोर्ट नामांतरण सर्वपक्षीय कृति समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने इसका ऐलान किया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ नेता राम सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद संजीव नाइक, विधायक प्रशांत ठाकुर, दशरथ भगत, संतोष केने, गुलाब वजह और अरुण पाटिल खास तौर पर मौजूद थे। अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने कहा कि लगातार मांग के बाद भी राज्य सरकार नवीनबई एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे के नाम का प्रस्ताव रद्द करने को तैयार नहीं है, इसीलिए प्रकल्पग्रस्त सिडकों का घेराव करेंगे और एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम दिलाने की आवाज बुलंद करेंगे। सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई कमेंट्स किया नहीं, मतलब सरकार आज भी संभ्रम में है और हमें लगता है कि सरकार की देने की इच्छा है मगर कैसे देवे ये भी होगा। इसलिए हमारा विश्वास है कि कई दिन में सरकार को सोचना पड़ेगा कि ओबीसी घटक, प्रकल्पग्रस्त घटक अगर सरकार के खिलाफ जाएगा तो उसको राजनीतिक परिणाम होने वाला है और सरकार इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन एक न एक दिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि दीवा पाटिल नाम ही मंत्र को देना चाहिए। क्रोमा शोरूम से हम निकलेंगे और हमारा धड़क मोर्चा सिडकों पे जाएगा, चाहे हमें सिडकों पे भी धड़क के लिए सिडकों कितना झुकेगा नहीं झुकेगा लेकिन क्या मालूम है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। बताना जरूरी है कि बीते साल 24 जून को लाखों प्रकल्पग्रस्तों ने सड़क पर उतरकर सिडकों का विरोध किया था। स्थानीय पुलिस उस मोर्चे में शामिल हुए नेताओं को एक साल बाद अब नोटिस भेज रही है। इसे आंदोलन रोकने की नई रणनीति बताते हुए बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने सरकार और पुलिस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 24 जून को दीवा की पुण्यतिथि पर आंदोलन होकर रहेगा। प्रशांत ठाकुर ने कहा कि सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, प्रकल्पग्रस्त एयरपोर्ट पर अपने मसीहा दीवा पाटिल का नाम दिलाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। 24 जून रोजी दिवंगत लोकनेते दीबा पाटील साहेब यांचा स्मृतिदिन आहे आणि गेल्या वर्षी 24 जून 2021 प्रकल्पग्रस्तांचा उद्रेक आपण सगळ्यांनी मिळून पाहिलेला होता। दीबा पाटील साहेबांचं नाव विमानतळ दिलं पाहिजे ही मागणी तर इथल्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सर्वत्र दिसलीच, पण त्याचबरोबर मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड या सगळ्या जिल्ह्यामधले भूमिपुत्र हे आवर्जून या मागणीसाठी त्या ठिकाणी एकत्रित झालेले होते। आम्हाला असं वाटतं की सिडकोच्या विरोधामध्ये हे जे आंदोलन आम्ही करतोय, राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये ही आमची जी प्रतिक्रिया आहे ती पाहून राज्य सरकार थांबले, पण अद्यापही त्यांनी सन्माननीय बाळासाहेबांच्या नावाचा जो ठराव केला तो रद्द केलेला नाही। दिवापाटी साहेबांच्या नावाचा आग्रह आमचा कायम आहे आणि जोपर्यंत विमानतळाला दिवापाटी साहेबांचं नाव लागत नाही तोपर्यंत आंदोलन करायचं या भूमिकेतून या 24 जूनला आम्ही पुन्हा एकदा सिडको भवनाला घेराव करण्याचं ठरवलेलं आहे। पुन्हा एकदा मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड या चारही जिल्ह्यातले सर्व भूमिपुत्र हे या मागणीच्या आग्रहासाठी पुन्हा एकदा एकत्र जमतील आणि सिडकोला आपली मनमानी चालू द्यायची नाही
याची जाणीव करून देण्यासाठी सर्व भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त एकत्र येते। पोलीस प्रशासन का काम ही ऐसा है कि आंदोलन जब तेज होता है तो उसको रोकने के लिए एक हथियार रहता है, वो नोटिस देना, गुनाह दाखिल करना। अभी एक साल पहला वो 24 जून में जो आंदोलन हुआ था, वो आने वाला जो आंदोलन हुआ, जो बड़े पैमाने पर लाखों लोग रास्ते पे आए थे, जबकि कोविड और इतर इसका अभाव था, फिर भी लोग रास्ते पे आए थे। आज जो आंदोलन होने वाला है, अभी एक साल हुआ तो अभी हम लोग को पुलिस प्रशासन ने नोटिस दिया गुनाह दाखिल करने का, उनकी प्रशासन की कार्रवाई चालू रहेगी, हमारे आंदोलन चालू रहेगा जब तक दीपा पाटिल का नाम या नवी मुंबई विमानतल को नहीं लगाया जाता, तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।